तो आज मैं बात करूंगा यहाँ पर हमारे फर्स्ट रेस्टोरेंट प्रोजेक्ट के बारे में। तो हमारा जो फर्स्ट रेस्टोरेंट प्रोजेक्ट था वो था चौधरी वैष्णो ढाबा, जो कि एक रेस्टोरेंट कम होटल था। वहाँ पर जो है वो रेस्टोरेंट भी है और उनके होटल्स में रूम भी हैं। अगर आपका भी रेस्टोरेंट है या फिर आपके किसी परिचित का रेस्टोरेंट है तो आप उसको ये वीडियो भेज सकते हैं। अगर आपका भी रेस्टोरेंट है और आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हम लोगों से लेना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट के शुरुआत में हमें चौधरी वैष्णो ढाबा से, जो कि इसके ओनर हैं विनय चौधरी भाई, तो उन्होंने जो है हमसे कॉन्टेक्ट किया था। उनके गूगल माई बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम थी तो उसको जो है हमने सही करने का हमें पहले काम मिला था, लेकिन उनके यहाँ पर जो है बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स आते हैं, जैसे राउंड टू एल हुआ, राउंड टू वर्ल्ड, आर्मी टीआरटी और भी जो है कॉमेडी फील्ड में जो काम करते हैं उनके वहाँ पर आते हैं, उनके वो जानने वाले हैं। तो उन्होंने उन्हें सजेस्ट किया कि आप अपने रेस्टोरेंट की जो है डिजिटल मार्केटिंग कराओ। तो इसके बाद जो है विनय सर ने हमसे कॉन्टेक्ट किया और हमसे बोला कि आप जो है मेरे रेस्टोरेंट के लिए आप जो है एक वेबसाइट बनाइए और सोशल मीडिया मार्केटिंग भी करिए। तो हमें उनका जो प्रोजेक्ट है वो पहले 3 महीने का मिला था, जिसमें हमें जो है उनका सारा स्क्रैच से जो है सेटअप रेडी करना था, जैसे कि सोशल मीडिया हो या फिर वेबसाइट हो। तो हमने जो है उस पर काम करना शुरू किया और जो हमारे पास चैलेंजेस थे वो चैलेंजेस ये थे कि हमने उससे पहले जो है किसी भी रेस्टोरेंट के लिए काम नहीं किया था। तो हमने जो है कॉम्पिटिटर का एनालिसिस किया कि किस तरह से जो है रेस्टोरेंट में इनके कॉम्पिटिटर काम कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, ताकि हम इनसे बेहतर जो है वो कर सकें। तो हमने जो है एक डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाई और वो डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। आप चाहो तो उस डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी को अपने रेस्टोरेंट के लिए जो है फॉलो कर सकते हो। देन उसके बाद जो है हमने एक कंटेंट कैलेंडर बनाया कि किस दिन कौन सी पोस्ट जाएगी। सपोज दैट किसी भी दिन, जैसे कि अगर मान के चलिए कोई जयंती है, या फिर पोस्ट कैसे बनानी है, या फिर फूड की पोस्ट कैसे बनानी है, प्रमोशनल पोस्ट कैसे बनानी है, या फिर मान के चलिए कोई इवेंट है, या फिर मान के चलिए हम लोग जो कोई भी कंसर्ट कर रहे हैं, या फिर बर्थडे की हमारे यहाँ पर कोई भी पार्टी हो रही है, तो सारे कंटेंट को जो है हमने एक कंटेंट कैलेंडर के फॉर्म में जो है वो शेड्यूल किया कि किस तरह से हमारा कंटेंट जाएगा। और साथ में हमने कैंपेन भी रन किए ताकि उनकी जो मार्केटिंग है वो दूसरे लोगों से अलग देख सके। जिसमें पहला हमारा कैंपेन था, हमने जो है एक बहुत बड़ी वेज थाली जो है वो लॉन्च करी कि आप जो है इस थाली को खाइए, और हमने वहाँ पर जो है एक कॉन्टेस्ट टाइप का बनाया था कि इस थाली को खाने पर आपको इतना जो है वो प्राइज मिलेगा। तो उससे भी काफ़ी हम लोगों को मतलब जो है अवेयरनेस मिली। साथ में हम लोगों ने जो है आर्मी पर्सन के लिए कॉफ़ी फ्री रखी, ताकि अगर कोई भी बंदा आर्मी का है और वो हमारे रेस्टोरेंट में आता है तो उसको कॉफ़ी जो है वो फ्री होगी। और हमने जो है रिव्यूज़ लेने के लिए जो है अपना डिज़र्ट्स भी रखा, मतलब कि अगर आप हमें रिव्यूज़ देते हो गूगल माई बिजनेस पर तो हमारे तरफ से आपको डिज़र्ट जो है वो फ्री होगा। और इससे हमारे रिव्यूज़ जो है वो काफ़ी बड़े, अभी भी हमारे जो है 500 से प्लस रिव्यूज़ हैं और काफ़ी अच्छी पोजीशन में जो है वो चौधरी वैष्णो ढाबा के रिव्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे। तो हमने जो है उनके लिए ऐड भी चलाए, तो उनका जो सिलेक्टेड एरिया था हमने उसमें अवेयरनेस ऐड चलाए, जिसमें जो हमने राखी को भी टारगेट किया। सपोज दैट जैसे कि आप भाई बहन हैं तो उसके लिए हमने ऑफर बनाया और उसको अवेयर किया। साथ में हमने जो है इंडिपेंडेंस डे पर जो है आर्मी वाले लोगों के लिए भी ऑफर चलाए। तो हमने इस तरह से उनका जो है पूरी अवेयरनेस करी। हमारे पास जो है जब से हमें वो प्रोजेक्ट मिला है अभी तक भी जो है, पहले वो हमारे साथ जो है वो 3 महीने के लिए काम करते थे, अब वो हमारे ईयरली प्लान में काम करते हैं। तो हमने जो है इस प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी अच्छे से जो है वो काम किया। उसके बाद हमारे पास काफ़ी प्रोजेक्ट भी आए, और आप भी जो है हमसे अपने रेस्टोरेंट को जो है जो ऑनलाइन ग्रो कराना चाहते हैं और डिजिटल मार्केटिंग आप अपने रेस्टोरेंट की हमसे करवाना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जिनका कोई रेस्टोरेंट का बिजनेस है, ताकि वो हमसे जो है कॉन्टैक्ट कर सकें। जय हिंद, जय भारत।